हेलो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब ठीक हो। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट ले आया। तो गाइस, बार्ड लवर के लिए। तो गाइस, आज मैं कुछ इस टाइप का ड्राइंग कर दिखाऊंगा। तो गाइस, ये फोटो देखो कितना मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एचडी फोटो। तो ये फोटो मैं पिक्सआर्ट और लाइटरूम की हेल्प से बनाया। तो गाइस, कैसे बनाया इस वीडियो में सब दिखाऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखो। अंत तक नहीं देखो तो इस फोटो में कैसे बनाया आप कभी भी नहीं जान पाओगे। तो गाइस, मैं बहुत बात कर लिया, तो चलो वीडियो शुरू। और हाँ गाइस, तो गाइस आप जानते हो हमारा देश में कोरोना वायरस चला है, तो गाइस उसके लिए आप घर में रहो। तो गाइस चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं कुछ इस टाइप का एक फोटोग्राफी कर दिखाऊंगा, इस तरीके का फोटोग्राफी करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। मैंने इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप जाके प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और वहाँ से मेरे साथ बात भी कर लेना SMS से। और गाइस, आप जानते हो मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज मैं कुछ इस टाइप का एक बैकग्राउंड बनाया, तो ये फोटो एडिटिंग करने के लिए। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर हमारा मॉडल को ऐड करना होगा। तो जिस मॉडल को ऐड करूँगा तो उसका बैकग्राउंड कैसे रेस करते हैं आप नहीं जानते हो। तो गाइज, आप जानते हो तो कैसे बैकग्राउंड रेस करते हैं, और नहीं, और जो जिस बंदा नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप जाके प्लीज़ देख लेना। हाउ टू इरेज बैकग्राउंड PS टास्क के अंदर, हाउ टू इरेज बैकग्राउंड इरेजर के अंदर, दो वीडियो में लिंक दिया। तो यहाँ से बैठा देना हमारा मॉडल को, तो डाउन कर देना सिंपली बैठने के बाद। तो हमारा पैर नहीं चाहिए, पैर हमारा फोटो का बाहर होना चाहिए, तो बाहर ही है, देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ PNG में ऐड करूँगा, जो PNG में यूज़ करूँगा सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। तो इस बार्ड को PNG को यहाँ से लगा दो, पैरट को PNG ऐसा लगेगा हमारा ये बार्ड उड़ के हमारा मॉडल को दिख रहा है। और इस बार्ड का PNG हमारा मॉडल का कंधे में लगा देना होगा, ऐसा कि हमारा कंधे में बैठा है, हमारा मॉडल का कंधे में बार्ड बैठा है। तो गाइस, मैं डन कर लिया। करने के बाद फिर और कुछ PNG में ऐड करूँगा, तो लाइट PNG में दो बार ऐड कर लिया और स्मोक PNG को मैं एक बार ऐड कर लिया। तो इसको कलर हमारा चेंज करना होगा, ह्यू हमारा चेंज करना है, तो उसके लिए एडजस्ट में जाके ह्यू को चेंज कर लो। तो इस ह्यू को चेंज करके बैकग्राउंड के कलर जैसा हमारा करना होगा इस लाइट का PNG का। तो इसका ब्लेंड को कर देना स्क्रीन, ब्लेंड की स्क्रीन करने के बाद इसको नीचे में लगा दो, पैर का नीचे लगा देना, ऐसा लगेगा हमारा नीचे से ग्रीन लाइट आ रहा है। और इसका स्मोक लगा दो, ऐसा लगेगा लाइट के साथ हमारा स्मोक भी आ रहा है। तो सिंपली अब देख लेना कैसे लगाते हैं। तो इसका ह्यू को नहीं करना, तो गाइस इसका सेशन को एकदम जीरो करना होगा। तो मैं कर लिया, तो इसका ब्लेंड को भी स्कैन कर देना। करने के बाद इसका ऊपर लगा देना, ऐसा लगेगा हमारा ऊपर से व्हाइट लाइट आ रहा है, एकदम अच्छी क्वालिटी फ़ोटो बन जाएगा इस फोटो एडिट करने के बाद। तो गाइस, मेरा बहुत ही बुरा लगता है कि मेरा फुल वीडियो नहीं देखते हो आप, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखो। और कैसे वीडियो में आपके लिए बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। तो इस बार्ड PNG को यहाँ से लगा देगी, लगाने के बाद फिर से इसका ब्लेंड को कर देना स्कैन, ऐसा लगेगा लाइट के ऊपर हमारा ये बार्ड जा रहा है। तो मैं लोगो लगा दूंगा, ये लोगो मैं कैसे बनाया आप नहीं जानते हो, तो प्लीज़ कमेंट करो, आपके लिए एक वीडियो में बना दूंगा कैसे इस लोगो में बनाया। ओके, तो इसको ब्लेंड में स्किन करके यहाँ से लगा दिया, तो सिंपली बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा एक टेक्स्ट ऐड करना होगा, तो गाइस उस टेक्स्ट में पिक्सेल ऐप आपके अंदर बनाया। तो गाइस, नियॉन टेक्स्ट कैसे बनाते हैं आप उस नहीं जानते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, हाउ टू मेक नियॉन टेक्स्ट, आप आराम से जाके देख लेना। ओके, तो गाइस यहाँ से लगा दो, दो PNG का बार्ड लवर को ऊपर लगाना होगा और इस छोटा PNG को नीचे में लगा देना होगा, ऐसा कि एकदम फोटो के साथ हमारा टेक्स्ट मैक्स कर जाए। तो सिंपली हमारा पिक्सआर्ट के अंदर काम ख़त्म है, तो ड्रॉ के अंदर जाके मोबाइल पे आपका फोटो को सेव कर लेना। तो जो फोटो मैं सेव करा, तो ये फोटो मैं लाइटरूम के अंदर ऐड कर लूँगा, तो आप भी ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं ऐड कर लिया, देखो। तो लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं और लाइटरूम का हिल एंड स्लिक टू टेल टूल्स कैसे ऐड करते हैं उसके ऊपर अलग एक वीडियो में बनाया, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख लेना। ओके, तो गाइस ये मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियम वर्जन का, तो उसमें इसमें कैसे डाउनलोड किया आप देख लेना उस वीडियो पे। तो गाइस, लाइटरूम के अंदर ये फोटो में ऐड कर लिया, करने के बाद फिर से कुछ स्टेप्स यूज करके मैं एडिट करूँगा। तो पहले स्टेप से हमारा ब्राइट में जाना होगा,
कंस्ट्रक्ट को हल्के से कमाना होगा, माइनस करना होगा, और हाईलाइट्स को हल्के से कमाना होगा और शेडो को हल्के से बढ़ाना होगा, ऐसे कि हमारा फोटो के ऊपर लाइटनेस लुक आना होगा। तो गाइस सेकेंड स्टेप है, हमारा कलर टूल में जाना होगा। तो सेकेंड स्टेप में दिखाऊंगा कैसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले इस वाइब्रेंस को हल्के से कमाना होगा, ऐसे कि हमारा हार्ड लाइट फोटो बहुत अच्छे नहीं लगता है। तो गाइस सिंपली इस बार जाना होगा मिक्स पे, इसका रेड को ह्यू को हल्के से कमाना होगा, जैसे कि हमारे फेस के ऊपर इफेक्ट पड़े। तो रेड कोई भी कलर नहीं है, हमारा फेस ही है, तो उसका उसके लिए इसका लुमिनेंस को बाद हमारे फेस का लुमिनेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। और इस येलो को कलर कुछ नहीं है तो हमारा फेस ही है, तो इसका ह्यू को एकदम माइनस हंड्रेड कर दो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारा ग्रीन हमारा बैकग्राउंड का कलर है, इसका फुल कलर तो देखो फिर हमारे बैकग्राउंड के ऊपर इफेक्ट पड़े। तो गाइस ये बैकग्राउंड कलर मैं रख दूंगा और सेशन कलर से कमा दूंगा, जैसे कि एकदम हार्ड लाइट नहीं चाहिए, तो हमारा फोटो के ऊपर एकदम स्मूथनेस नेचुरल चाहिए। तो गाइस ये भी हमारा बैकग्राउंड का कलर है, तो गाइस देखो इसका हिलाओ तो हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका ह्यू को आप माइनस 35 पर तक रख देना और सेशन कलर किसे कमा देगा माइनस 40-50 तक रख देना, 50 के आसपास रख देना, तो और भी ये तो 40 रख देना। तो सिंपली इस ब्लू हमारा चूज करना होगा, ब्लू हमारा मॉडल का क्लोथ की कलर है, कपड़े की कलर है, तो इसका ह्यू को आपका मारिश रख देना आपके पास कैसे कलर, तो इसको ह्यू कलर से कमा देना तो बैकग्राउंड के साथ मैच करेगा। तो गाइस आप जानते हो ऑरेंज कलर हमारा फेस की कलर है, तो इसका लुमिनेंस कलर से बढ़ाओ तो हमारा मॉडल का फेस का ब्राइटनेस बढ़ जाए, सेशन कलर से कमा तो रेड जो इफेक्ट है तो उस डिलीट हो जाए, और ह्यू कलर से कमा तो येलो येलो लुक का हमारा फेस के ऊपर। तो देखो फिर फोटो ऊपर कितना ब्राइटनेस लुक पड़ा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और भी अच्छा लगेगा हमारा थर्ड स्टेप यूज करने की बात। तो थर्ड स्टेप पे हमारा इफेक्ट में जाना होगा, जाने के बाद डेस को फूल करना होगा। तो देखो फिर डेस देने के बाद फोटो के ऊपर कितना एज लुक आया, एकदम डार्कनेस लुक आ गया, एकदम ओरिजिनली फोटो जैसा लग रहा है। तो क्लैरिटी कलर से काम तो हमारा फोटो के ऊपर स्मूथनेस लुक आ जाएगा, और टेक्सचर हल्के से बात तो गाइस हमारा जो पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स डिलीट हो जाएगा। तो इस बिगनेट कलर से काम तो हमारा फोटो के आसपास ब्लैक ऐसा हो जाएगा, एकदम अच्छी लगेगा। तो देखो फिर फोटो के ऊपर कितना अच्छी लुक डाल जाए, बहुत अच्छे लगे। तो फिर भी हम जाना होगा मिक्स पे, हमारा मॉडल का फेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा रेड इफेक्ट पड़ा तो उसका हमारा डिलीट करना होगा, सीजन को कम आ गए, और लुमिनेंस को आप बढ़ा सकते हो, तो जैसे कि हमारा फेस का लुमिनेंस हल्के से बढ़ जाए। तो फिर भी हमारा फोर्थ स्टेप है, तो गाइस उस हमारा जाना होगा डिटेल्स में, शार्पनिंग कलर से बाद देना, नॉइस सिलेक्शन को बाद देना, कलरनेस को बदलना, ऐसे कि हमारा फोटो के ऊपर जो सा नॉइस था सब रिमूव हो जाएगा। तो देखो फिर बिफोर पिक्चर के अंदर ऐसा फोटो था, और लाइट रूम के अंदर एडिट करने के बाद ऐसा हुआ, तो देखो फिर कितना अच्छी फोटो।